कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग द्वारा नगर के एक निजी गार्डन में सोमवार को अल्पसंख्यक समुदाय के हाजी एवं वरिष्ठ लोगों का सम्मान समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर दुग्ध संघ अध्यक्ष एवं पूर्व जनपद अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने देपालपुर में स्थानीय विधायक के मुद्दे को तुल दे डाला। उन्होंने कहा कि 70 सालों की बाहरी उम्मीदवारों की गुलामी से बाहर निकलने का समय आ गया है। हमें ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो नगर परिषद, जनपद, जिला पंचायत, पार्षदों के चुनाव में अपने ही प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए गांव-गांव, गली-गली न जाए, अधिकृत प्रत्याशियों के समर्थन में रैली न करे। उन्होंने कहा कि मैं किसानों के लिए जेल गया, कई पद यात्राएं की, लेकिन कभी मैंने किसी के पुतले नहीं जलाए। हमने कभी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। यहाँ से सत्यनारायण पटेल को किसने हराया ये पूरा देपालपुर जानता है। गार्डन से रैली के रूप में कार्यकर्ता बैंडबाजी के साथ अंबेडकर चौराहे पहुंचे, जहां मोती सिंह पटेल एवं अन्य नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बैटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। 30 साल देपालपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। सालों बाद जो आज संगम देखा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हम भाई भाई, ये हमने नारा सुना था जब पढ़ते थे, वो आज जो चरितार्थ हुआ है उसके लिए मैं विशेषकर जिस भावन नगर में, बेडमा नगर में हम सब एकत्रित हुए हैं, आदरणीय सोरा पटेल साहब हमारे इंदौर जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जी, हमारे जेल में कांग्रेस के अध्यक्ष नवीन खान साहब मेरे छोटे भाई, और सम्माननीय मंच, क्योंकि मैं सबको नाम से जानता हूँ, सम्माननीय मंच इसलिए कि हम सब सुबह से बैठे हैं। इस कार्यक्रम की अगर 50 सीटें लग गई है, आज के बाद कोई विधायक नहीं है, और अगर कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट जारी कर दी हो सूचना, आप बता दो ना, आज से हम झंडा ऊंचा कर देंगे। जब तक टिकट घोषित नहीं होगी तब तक मुझे मांगने का हक है कि नहीं, ऐसा बता दो। अगर मांगने का हक है मैं मांगूंगा, और नहीं मिलेगी तो नहीं लड़ूंगा, और टिकट मिलेगी सब चुनाव लड़ेंगे। देपालपुर विधानसभा में चुनाव मोती सिंह पटेल को नहीं लड़ना है, ये चुनाव लड़ना है देपालपुर को, क्योंकि देपालपुर आज भी आजाद नहीं हुआ है। पिछले 50-60 वर्षों से हमारे देपालपुर में बाहर के विधायक बनते हैं, ऐसा नहीं एक पार्टी का विधायक बना, दोनों पार्टी के बने, और हमारे देपालपुर तहसील इसी की हमारे यहाँ की रमेश भैया भोली भाली जो जनता है अपना गुस्सा मुंह पे कभी नहीं बोलती है, पर जब चुनाव आता है तो 5 साल का हिसाब किताब कर लेती है, और इसीलिए यह एक परी पार्टी है। एक बार पद में रहते हुए व्यक्ति को दूसरी बार यहाँ से छोड़कर नहीं भेजा जाता है, सिर्फ एक उपचुनाव छोड़ दो जगदीश जी पटेल का। तो मैंने अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यही अवगत कराया है, मैंने कभी किसी की खिलाफवर्ती नहीं रहा है कि मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे, और इस देपालपुर विधानसभा के जो अल्पसंख्यक विभाग के हमारे जो कांग्रेस जन परिवार जन ने जो आज आयोजन रखा, ये भी एक संकेत है कि देपालपुर विधानसभा से पुनः इतिहास को बदला जाएगा। यहाँ की जो रीति रिवाज है, एक बार विधायक चुनता है दूसरी बार नहीं चुनता है, यहाँ की जनता इस बार स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी हाईकमान भी यहाँ के जो जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने अपना हर समय उन्होंने वक्तव्य दिया है कि अगर किसी भी विधानसभा में अगर वहाँ की जनता स्थानीय व्यक्ति की मांग करेगी और वो स्थानीय व्यक्ति इस लायक होगा कि क्षेत्र की सेवा कर सके, तो उसको निश्चित अवसर मिलेगा। और मुझे भी पूरा भरोसा है देपालपुर विधानसभा की जनता का सेवा करने का मुझे कांग्रेस पार्टी अवसर देगी। के कार्यक्रम जो है सभी आसपास के क्षेत्र के अल्पसंख्यक, बेटमा के अल्पसंख्यक और सभी समाज के बंधुओं को बुलाया गया है, ये सम्मेलन रखा गया है, और हमारी क्षेत्रीयता की मुद्दे की बात थी कि किसी भी क्षेत्रीय आदमी को ऐसे टिकट दिया जाए। आज 30 साल से मांग करने को सुनने को तैयार नहीं है, उसके लिए आज ये अल्पसंख्यकों का इतना बड़ा प्रोग्राम कराना पड़ा है। हमारी बात आप मीडिया के माध्यम से हाईकमान तक के पहुँचे, इसलिए आप लोगों को भी सबको आमंत्रित किया है कि हमारी बात यहाँ से प्रदेश में, देश में ऊपर तक के हमारी खबरें पहुँचे, यही बस। आज की पूर्व में 3 साल हो गए, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक बुलाने को तैयार नहीं है, किसी भी कार्यक्रम में तो बुलाने को तैयार नहीं है, यहाँ आता है 2-3-4 से मिल लेता है और चला जाता है, कार्यकर्ताओं को किसी को पूछ परख ही नहीं। पूर्व में करी ना उन्होंने, तो पूर्व में जो सत्यनारायण जी पटेल लगे खुला उन्होंने विरोध करा सत्यनारायण पटेल का, और अगर वर्तमान
ये आज आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से ऊपर तक खबर पहुंचा रहे हैं। अगर हमारी बात को सुनी और विस्तानी आदमी के मामले में उन्होंने कुछ चर्चा करी या उनके लिए सोचा तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो सोचेंगे इसके लिए। कांग्रेस का एक सम्मान समारोह रखा गया था जिसमें जो नव निर्वाचित जो जिला कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, NSUI में जो माइनॉरिटी के जो लोग बने हैं उनका सम्मान समारोह रखा था, और जो हाजी यहाँ हज करके आए उन लोगों का, सम्मानी बुजुर्गों का यहाँ सम्मान किया गया। उस कार्यकर्ता के रूप में एक सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया था जिससे कि सभी पूरे देवपालपुर विधानसभा से यहाँ माइनॉरिटी के लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और सभी ने मिलकर जोरदार तरीके से यहाँ पे बात रखी और कांग्रेस को जिताने का संकल्प लिया। टिकट ये मुद्दे की बात, स्थानीय वाली बात हो, ये हमारे प्रदेश कांग्रेस लेवल का मसला है। मैं इस मामले में नहीं बोल, मैं समझता हूँ कि सभी स्थानीय हैं यहाँ पे, स्थानीय सभी तो यहाँ पे हम टिकट मांग रहे हैं सभी, और सभी स्थानीय लोग और जो कांग्रेस को मोती सिंह जी पटेल साहब को भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत सम्मान दिया है और अच्छे वो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, और उन्हें भी मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है संघर्ष करने के बाद ही कांग्रेस पार्टी में मौका मिलता है, और निश्चित ही उनकी मांग भी वाजिबी है और उनको भी मौका मिलेगा। और समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने, आज वो दूध संघ के अध्यक्ष है, वो समय समय पे वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम किया, उन्होंने जनपद में भी अध्यक्ष रहे। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने खूब उनको सम्मान से नवाजा है और आने वाले समय में जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं निश्चित ही वो कहीं ना कहीं उसका भी उनको फल मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी हमेशा वैसे स्थानीय, यह निर्णय लेने का काम प्रदेश लेवल का है, हमारा काम है जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है उसको भारी मतों से भी जिताना, ये हमने आज माइनॉरिटी के लोगों ने ये संकल्प लिया है। जो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, जो अपनी पीड़ा है सभी ने व्यक्त की, घर में बैठ के व्यक्त की, सभी की बातों को हमने पूरी निष्ठा से सुना है और उसका हम उचित जो कई कमियां हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे और निश्चित ही कांग्रेस का यहाँ विधायक फिर से यहाँ जीतेगा, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।